नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के रूप में। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट आगे भी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। एनपीआर पर राज्यों की केंद्र ने आज बुलाई बैठक, ममता नहीं होगी शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जनगणना 2021 और एनपीआर को तैयार करने के तौर तरीके निर्धारित करने के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि उनका प्रदेश इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव व जनगणना निर्देशक भी इसमें हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि बैठक में जनगणना व एनपीआर के तहत शुरू होने वाले मकान सूचीकरण के चरण पर विस्तार से चर्चा होगी। यह चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की ओर से एनपीआर पर आज बुलाई गई बैठक में भागीदारी से इनकार किया है। साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सूचित दी है कि केंद्र की लाइन पर नहीं चलने पर प्रदेश सरकार बर्खास्त करके दिखाएं। राज्य सरकार एनपीआर प्रक्रिया को प्रदेश में पिछले महीने ही रोक लगा चुकी है। उन्होंने फिर दोहराया है कि वे पश्चिम बंगाल में सीए, एनआरपी और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, 16 मार्च से बदल जाएंगे ATM से पैसा निकालने के नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RBI ने ATM कार्ड से पैसा निकालने के नियम में बदलाव किया है। यह फैसला ग्राहकों के खाते में पैसे को सेफ रखने के चलते लिया गया है। आपको बता दें कि नया साल यानी कि 2020 की शुरुआत में ही SBI ने ATM से कैश निकालने के तरीकों में बड़ा बदलाव किया था। SBI ने ग्राहकों को अच्छी बैंक फैसिलिटी और फ्रॉड ATM ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। बैंक वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ATM से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP बताना होगा। नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश पर ट्रांजैक्शन पर लागू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जिसके बाद आप रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालते हैं तो आपको वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP का प्रयोग करना होगा। स्कूलों, अस्पतालों और घरों से 50 मीटर दूर खोले जाए नए पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण पर पेट्रोल पंप के खराब असर को देखते हुए देश की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि नए पेट्रोल पंप स्कूलों, अस्पतालों और घरों से कम 50 मीटर की दूरी पर हों। केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें तेल कंपनियों को ऐसे पेट्रोल पंप पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाने को कहा है, जहां हर महीने तकरीबन 300 लीटर तेल की बिक्री होती। नई गाइडलाइन के मुताबिक VRS न लगाने की स्थिति में राज्य के प्रदूषण नियामक बोर्ड की तरफ से VRS की कीमत के बराबर पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी स्कूल, अस्पताल या रेजिडेंशियल एरिया के 50 मीटर में रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए। अगर 50 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप हुआ तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने होंगे। इसके लिए किसी भी हालात में स्कूल, अस्पताल या रेजिडेंशियल एरिया के 30 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए और वहीं रिटेल आउटलेट के ऊपर से कोई भी हाई टेंशन लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। हाल ही में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया ने 5G ट्रायल के लिए दिए आवेदन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने 5G प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए आवेदन जमा किए हैं। दूरसंचार उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि एयरटेल ने देश में 5G प्रशिक्षण के लिए हुआवे, JTI और एरिएशन और नोकिया के साथ हाथ मिलाया, जबकि जियो ने ट्रायल के लिए सैमसंग के साथ साझेदारी की। जानकार सूत्रों ने बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने भी 5G प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है। उसने इसके लिए हुआवे, JTI, एरिएशन और नोकिया के साथ भागीदारी की है। इस संबंध में भेजे गए ईमेल का भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। पिछले महीने दूरसंचार मंत्री रविशंकर
प्रसाद ने कहा था सरकार सभी दूर संचार सेवा प्रदाताओं को 5G सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देगी। सरकार की इस घोषणा से चीन की दूर संचार उपक्रम विनिर्माण हुआवे को बड़ी राहत मिली है, जिसे अमेरिका में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, भारत में जल्दी सभी कंपनियां जो है 5G की सर्विस शुरू करने वाली हैं। जियो, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ने जो है अपने अपने आवेदन को जो है जमा करवा दिया है। देश भर में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय बैंक संघ के साथ वेतन संशोधन वार्ता विफल होने के बाद बैंक यूनियन ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही अप्रैल में अनिश्चितकाल हड़ताल का भी ऐलान किया गया। बता दें कि बैंक यूनियन ने वेतन समझौता विफल होने के कारण हड़ताल का ऐलान किया है। यही नहीं, लगातार 3 दिन 11, 12 और 13 मार्च को भी बैंक ने हड़ताल करने का निर्णय किया है। मार्च में होली व अन्य छुट्टी को मिलाकर करीब 8 दिन बैंक बंद होने के आसार हैं। यूनियन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अगर मांगे पूरी नहीं होती तो बैंक 1 अप्रैल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। 8 जनवरी बुधवार को भी बैंक हड़ताल पर थे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में 8 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया था। इसको लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर चल रहे थे। बता दें कि 31 जनवरी को जहां आर्थिक सर्वे आएगा तो वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयरिंग हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का सवाल, जी हाँ दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, तो फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की सर्दी, अगले 2 दिनों में और गिरेगा पारा, इन राज्यों में ओले पड़ने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश से दिल्ली की सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है और दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में भी बारिश हुई है। और वहीं उत्तर भारत में 12 ट्रेनें कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से देरी से चल रही हैं। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि दिन भर शहर में हल्का कोहरा बना रहेगा। दिल्ली समेत उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज शाम तक शीतलहर देखने को मिल सकती है। इससे अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने इन राज्यों में ओले पड़ने की चेतावनी भी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेज बारिश से लेकर ओले गिरने की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कोहरा छाया रहेगा। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और कई हिस्सों में ओले गिरने की संभावना है, जिससे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में देश में सर्दी का माहौल एक बार फिर से जमने वाला है। नागपुर में पकड़ा गया जाली नोटों का जखीरा तथा इनकी छपाई भी है बिल्कुल असली नोटों जैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 राज्यों की जांच एजेंसियों के खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई DRI ने नागपुर से 28,75,000 रुपए के जाली नोट पकड़े हैं। बुधवार को DRI ने बांग्लादेश में छपे 1577 जाली नोट पकड़े हैं। इन जाली नोटों में 386 नोट 2000 रुपए के तो 1191 नोट 500 रुपए के थे। इस मामले में DRI ने लालू खान को गिरफ्तार किया है। DRI तथा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के जरिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जाली नोट फैलाने वाले गिरोह तक पहुंचने का अहम सुराग मान रही है। हालांकि 18.75 लाख रुपए के नोट जिनकी छपाई बेहद ही उम्दा किस्म की देखी जा रही है, उसे भारतीय सीमा में बांग्लादेश के रास्ते से पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में डिलीवर करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा गुजरात और नेपाल के रास्ते पर DRI ने नजर बनाए हुए है। नेपाल के रास्ते से भारत में जाली नोटों को भेजने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को राहत नहीं, देने होंगे 94,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एडजस्टेबल ग्रोथ रेवेन्यू यानी कि AGR के खिलाफ दाखिल उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को AGR के बकाया 94,000 करोड़ रुपए देने में छूट मांगी गई थी। कोर्ट की तरफ से फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों को AGR की अदायगी में किसी भी तरह की कोई छूट देने से इनकार किया गया है। ऐसे में अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया 94,000 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करना होगा।
जिसमें भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा टेली सर्विस को एक माह के अंदर एजीआर के बकाया रकम को अदा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से ही सभी कंपनियों ने जो है अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान को महंगा कर दिया था। इस हिसाब से एक बार फिर से तथा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन टेलीकॉम कंपनियों को राहत न मिलने से यह संभावना जताई जा रही है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से अपने प्लान को महंगा कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में छपाक टैक्स फ्री करने के बाद अब खुले में नहीं बिकेगा एसिड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में छपाक फिल्म टैक्स फ्री करने के बाद अब खुले में एसिड की बिक्री पर भी रोक लगेगी। सीएम कमलनाथ ने एसिड की बिक्री के खिलाफ प्रदेश में अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बहन बेटियों की रक्षा के लिए एसिड की खुले में बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है। एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी पर बनी फिल्म छपाक पिछले हफ्ते रिलीज से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर एसिड अटैक सर्वाइवर के संघर्ष को सलाम करते हुए उनके आत्मविश्वास की दात भी दी थी। अब ठीक एक हफ्ते के बाद उन्होंने प्रदेश में एसिड की खुली बिक्री पर भी चिंता जाहिर की है। सीएम ने आदेश दिया है कि एसिड की खुले में बिक्री ना की जाए, इसे रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने घटाई भारत की जीडीपी वृद्धि दर, वैश्विक विकास दर 10 साल के निचले स्तर पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घटाकर 5.7% कर दिया। पिछले साल यूएन ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान 7.6% जाहिर किया था। संयुक्त राष्ट्र के अलावा घरेलू एजेंसियों ने भी भारत के विकास दर का अनुमान को कम कर चुकी हैं। भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और वर्ल्ड बैंक ने तो सिर्फ 5% जीडीपी ग्रोथ रखने का अनुमान जाहिर किया है। वित्त वर्ष 2018 और 19 में भारत में 6.8% की जीडीपी वृद्धि दर हुई थी, लेकिन हाल ही में जो है 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर जीडीपी चली गई है, जिसकी वजह से भारत में जो है रोजगार कम होंगे, साथ ही भारत में महंगाई बढ़ेगी, जिससे सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ेगा। स्थानीय बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी सोने और चांदी की चमक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए चमक कर 41,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 100 रुपए की बढ़त में 47,450 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। स्थानीय स्तर पर सोने और चांदी का भाव लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं। जी हां दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से तेजी दर्ज की जा सकती है। लगातार दूसरे दिन घटे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों ने आज दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 14 पैसे जबकि चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। डीजल का दाम भी दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 16 पैसे प्रति लीटर कम हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75 रुपए और 41 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 68 रुपए और 77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और भी कमी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के